ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। रगाईढी ग्राम पंचायत गिधौर में प्रधान की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। ग्रामीणों ने लगाए ग्राम प्रधान को पर गंभीर आरोप। ये मामला बलरामपुर थाना उतरौला का है, जहां ग्रामीणों और प्रवासी मजदूरों ने बताया कि आज जितने भी लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, प्रधान जी ने पूरे विद्यालय को खाली करवा दिया। ग्राम प्रधान ने गलत तरीके से लोगों को उनके घर भेज दिया। स्कूल में भी किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिली थी, न खाने की और न पीने की। चिंताजनक बात तो यह है कि जब लोग मुंबई सूरत से आए थे तो उन्हें सिर्फ एक ही दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, और आज गोंडा में जो दो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो उनके ही साथ आए थे। प्रधान जी, हम लोगों से बोले कि डॉक्टर को बुला लाता हूँ, आप लोगों का चेकअप हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। फिर डॉक्टर भी नहीं है, और प्रधान जी डॉक्टर से प्रमाणित करा के लाए, फिर अपना प्रमाणित कर लिए, फिर जाके हम लोगों को पन्ना दे दिए कि भैया तुम लोग अपने घर जाओ। तो हम लोगों ने उनसे कहा, भाई अपने घर जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा चेकअप नहीं हो जाएगा। उसके बाद में प्रधान जी फिर हम लोगों पर दबाव डाले कि तुम लोग चले जाओ, स्कूल खाली हो गया या दूसरा कोई आएगा रहेगा। उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकल, हम लोगों को मकान बना था, हम लोग पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है और सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन द्वारा ग्राम प्रधान पर कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर गांव में कोरोना नामक महामारी फैली तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्राइम न्यूज 24 से ब्यूरो चीफ सलेम तिवारी की रिपोर्ट।